का दिन बर्बाद कर दिया ब्रो। समझ में नहीं आ रहा वो वर्कआउट करने आई थी या टाइम पास करने। ब्रो कैसे हो यार तुम, कितनी हॉट थी वो बेचारी ट्राई भी कर रही थी पर तुमने भाव ही नहीं दिया। तो क्या करता मैं, पागलों के जैसे उसके आगे पीछे थोड़ी घूमता। वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं थी। Are you sure bro? कोई और वजह तो नहीं है ना? क्या मतलब है, और क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता। नहीं पता मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये है कि मेरे भाई मुझे लगता है कि तुम डेनिस से बहुत प्यार करते हो। क्या हुआ, कुछ गलत बोला क्या मैंने? उसकी वजह से ही तुम किसी और लड़की को देखते तक नहीं मेरे भाई। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे जैसा इंसान नहीं हूं जो एक रिलेशन खत्म होते ही दूसरा रिलेशन बना लूं। मेरे लिए टाइम पास से ज्यादा फीलिंग्स मायने रखती हैं। मेरे लिए फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती, पता तो है तुम्हें। जब चाला आएगी तब ऐसा नहीं होने वाला, समझ गए? दिल पर मारा मेरे भाई। थैंक यू। थैंक यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हाँ देखते हैं। एंजॉय योर मील। थैंक यू सो मच। हाय, महक तो बहुत अच्छी है। क्या लगता है तुम्हें? फिक्र मत करो। लगता है इसके लिए कोई और सॉस यूज किया है इसने। बहुत ही बढ़िया है। हाँ, सीजनिंग भी बढ़िया है। शायद उन्हें पसंद आया, मुझे भी यही लगता है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। एल्चिन का कॉल है। उसने बुराक के लिए कॉल किया होगा, ये कहने के लिए कि उसे दुख है कि कागला और बुराक स्टेट नहीं जा पा रहे। बच्चों की बहुत इच्छा थी वहाँ जाने की निहात। ये बुराक की गलती है कि वो नहीं जा पाएगा। उसके लिए तुम मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करो। ये बात बिल्कुल मत भूलो कि बचपन से तुमने ही उसे बिगाड़ा है। देखा, तुम फिर से मुझे ही ब्लेम कर रहे हो निहात। यकीन नहीं होता मुझे। एल्चिन क्या हाल है? तो सरदार कैसी हो तुम? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मेरी प्यारी कागला कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक्स, पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद चाला बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत उदास है। हाँ मैं समझती हूँ, वो कब से बुराक के साथ ट्रिप प्लान कर रही थी। अब क्या करें, आखिरी मिनट पर ट्रिप कैंसिल करना पड़ा। नॉर्मली निहात इतने स्ट्रिक्ट कभी होते नहीं हैं, पर इस बार वो मान ही नहीं रहे। पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ओह सच में मिस्टर निहात ने मना कर दिया था। बुराक सच कह रहा था। क्या? कागला को बोलना वो इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करे। मैं हूँ ना, मैं वादा करती हूँ कि मैं निहात को मना ही लूंगी। ओके डियर, मैं बोल दूंगी। निहात जी को मेरा रिगार्ड्स देना, कभी घर आओ ना। चलो मैं फोन रखती हूँ, बहुत सारा प्यार, मैं जल्दी ही आऊंगी। ओह चाला, तुमने बेकार में ही उस पर ब्लेम किया। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? कॉल करो और उसे सॉरी बोल दो। आंसर नहीं कर रहा है। उसने सुना नहीं होगा, या हो सकता है कि वो इस वक्त बिजी हो। मैं बॉडरूम जा रही हूँ। चाला तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेटा? इस वक्त मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती, बैठ जाओ। अगर गलती हो तब भी ऐसे पागलों की तरह नहीं भागा जाता, ठीक है? ओके मॉम, ठीक है। हाँ ब्रो, रेडी रहना, मैं आ रहा हूँ। आ जाओ, मैं रेडी हूँ। ठीक है। तुमने तो कहा था तुम रेडी हो। अभी आ रहा हूँ भाई। Dennis, I love you so much. क्या तुम? वोल्कान, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पता है मैंने जल्दी पूछ लिया। हमें अभी शादी करने की जरूरत नहीं है, हम बाद में आराम से शादी कर सकते हैं। वोल्कान, तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मेरा करियर है, मेरे ड्रीम्स हैं, प्रायोरिटीज भी। आई एम सॉरी, फिलहाल मैं रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ। चले ब्रो। क्या तुम पार्टी करने के लिए तैयार हो? मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, बस कुछ खाकर सोना चाहता हूँ। ब्रो, जगह तो काफी अच्छी लग रही है। देखा ना क्या हो रहा है, ये सब मत क्या करो यार। हाँ तो अब इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, हम बस रात के लिए तैयार ही तो हो रहे कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या हम सामान के साथ ये बैग्स भी तुम्हारे पास छोड़ सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। अब थैंक यू। और क्या तुम हमारे लिए टैक्सी मंगवा सकते हो? हम सुबह से तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना। अरे कोई बात नहीं। वो तुम्हें लाइक करता है, तुम जो कहोगे वो वैसा ही करेगा, यही तो मेरी सुपर पावर है। इसे देखो, मैं चाहती क्या हूँ और मिलता क्या है। बस करो, वो सुन लेगा। आपकी टैक्सी बाहर तैयार है, पर आप लोग मेरा नंबर भी रख लीजिए अगर कहीं जरूरत पड़ी तो, क्योंकि यहाँ कुछ जगह सेफ नहीं है। ओह डार्लिंग, थैंक यू सो मच, बाय। सुनो, क्या हम अपने पैसे भी यहाँ छोड़ दें? उसने कहा ना कि कुछ जगह बिल्कुल सेफ नहीं है। शायद जानबूझकर बोला होगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, मैं अपने अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती। पहले से ही केयरफुल होना अच्छा है, मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। चलो अपने पैसे भी मुझे दे दो। ला 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 ला। Bu gece kalbim sana emanet. Yarına kim selamet. Bu gece kalbim sana emanet. Bıraktım sigarayı, bıraktım üzülmeyi, bıraktım uykudan önce o şarkıyı of dinlemeyi, bıraktım arkadaşları, bıraktım tüm savaşları, bıraktım o yalanları, bıraktım sen bana düşmanlısın. Ah, incin şeytan mısın? Elimi tutmaz mısın? Ah, akşam oluyor, bu gece benimle kalmaz mısın? Yarına kim selamet, bu gece kalbim sana emanet. ले चलो लोकमा खाते हैं। गौंजा, हमने अभी तो डिनर खाया था। हाँ वो तो है, पर अभी हमें डांस भी करना है और मैं हम दोनों के लिए डांस करूंगी। कैसी हो तुम? कितने दिनों बाद मिल रही हो। तुम्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है। आखिर इतने दिन थी कहाँ, मुझे भूल गई क्या? हाँ पर आप हैं कौन? चटनी डालना। हाँ। ओ याद नहीं? अरे मैं सिस्टर सेवन, इतना भी याद नहीं है। नहीं आप मुझे याद नहीं। ओ आई एम सो सॉरी, अब ध्यान से देख पा रही हूँ तुम्हें। आई हाय मैंने ये क्या कर दिया? तुम उसके जैसी दिख रही हो लेकिन तुम वो नहीं हो। आई एम सो सॉरी, माफ करना मुझे। कौन थी वो? पता नहीं, शायद उन्हें लगा कि मैं कोई और हूँ। वाह ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये मेरी तरफ से एंजॉय लेडीज। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? मुझे नहीं पता पर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बहुत यमी है। क्या मुझे एक और मिलेगी? हाँ हाँ अभी लो। थैंक यू वेरी मच। आसले इतना टेस्टी है, तुम पी क्यों नहीं रही हो? मुझे अल्कोहल की आदत नहीं है। कम ऑन पी लो। एंजॉय। थैंक यू। चलो आसले डांस करते हैं। चलो ना प्लीज, चलो चलो चलो। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सुनो मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूँ। ओके तब तक मैं ड्रिंक ले लेता हूँ। ठीक है वहीं मिलते हैं। हेलो यहाँ भी आ गया। ये क्या कर रही हो तुम? तुम उस आदमी के करीब मत जाना, समझी? अरे बस भी करो, तुम क्या कोई मोरल पुलिस हो? वो कुछ नहीं करेगा, हम तो यहाँ पर बस डांस कर रहे हैं ना। प्लीज मुझे एक और ड्रिंक मिलेगी? अच्छा ठीक है। ओ, उससे कोई और जगह नहीं मिली, अभी भी यही है। चला गया। मुझे ढूंढ रही है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा ही दिया था। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक्सक्यूज मी। ए छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। मैंने कहा दूर हटो उससे। अरे ओ छोड़ो उसे, छोड़ो। खुद को समझते क्या हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुमने इसे मार तो नहीं डाला? शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। ये सांस नहीं ले रहा है, मर गया क्या? चलो चलते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर 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 एक फोटो सर, एक फोटो सर, एक फोटो सर, एक फोटो सर, बंद करो ये सब, बंद करो। जल्दी चलो यहाँ से। कहाँ जाना है? तुम रुकी कहाँ हो? वो मेरे पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मतलब? वो होटल जहाँ हम काम करने वाले थे वो बंद हो गया और हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर मुझे काम से निकाला नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा तो ये भी मेरी गलती है। हे, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल। तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। साइको। साइको? तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो? बदतमीज। प्लीज लड़ना बंद करो और बताओ जाना कहाँ है? होटल माजरोलो। नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया। तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर तो नहीं हो ना? कोई जोक वोक तो नहीं है ना ये? अगर है तो प्लीज बिल्कुल फनी नहीं है। इनफैक्ट सच कहूँ तो अब मैं काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ ये सबसे। मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगी? मैं जहाँ जाती हूँ तुम दिखाई देते हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो। यार अब मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा? आखिर तुम हो कौन? हा? तुम हो कौन? स्मार्टी पैंट्स, अकड़ू, एरोगेंट, बदतमीज कहीं के। आप प्लीज साइड में रोकेंगे? मुझे उतरना है। हाँ जल्दी रोको, उतारो इसे। हाँ हाँ हम टैक्सी में। मैं क्यों उतरूं? तुम्हें उतरना चाहिए। यार देखो तुम ना डिसाइड कर लो। पहले तुम खुद उतरने वाली थी और अब कह रही हो कि मैं उतर जाऊं। मेरी शादी को 10 साल हो गए और मैं अब तक अपनी बीवी को समझ नहीं पाया हूँ। Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.